हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब फ्रेंड कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड अच्छे ही होंगे और हम लोग भी सब ठीक है। आज है जन्माष्टमी, तो चलिए ठाकुर जी का आज स्पेशल सिंगर करते। पहले ना ये लोग कपड़ा डालेगा बोल के मैं रेडी करके भी रखी थी, फिर बाद में सोचा नहीं ब्लू और पिंक का जो पीस पड़ा है उसका बनाती हूँ। तो रात को ही मैं आधा से भी ज़्यादा सिल के रखी थी। सुबह थोड़ा बहुत काम था वो करके अभी ठाकुर जी को, राधा रानी को स्नान भी करवाया। तो अभी चलिए कैसा बना है कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। तो मैं ये सब गहना वगैरह हाथ से ही बनाया है, वही डाल रही हूँ। हाथ का भी बनाया है लेकिन एक कड़ा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है तो डलवा देती हूँ। आज तो ठाकुर जी का बर्थडे है तो स्पेशल तो कुछ होना चाहिए। और ये चेन नेकलेस भी डाल देती हूँ लेकिन देखिए ऐसा करके डालना पड़ता है क्योंकि हाथ का बीच में ना बहुत ही कम गैप है और ये चेन नेकलेस थोड़ा सा जाड़ा तो है तो नहीं हो रहा है, तो ऐसा करके डाल रही हूँ। लेकिन इतना तो अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वही सोच रही हूँ डलवाओ कि नहीं डलवाओ। तो अंदर से कोशिश कर रही थी जो अंदर से होएगा ना तो अच्छा दिखेगा, लेकिन नहीं हो रहा है। तो ये ड्रेस के साथ इतना खास नहीं लग रहा है और मेरे को ये कमरबंद भी इसके साथ जैसा लग रहा है सही नहीं लग रहा है, तो ये भी चेंज कर देती हूँ। दूसरा एक है तो वो डलवा देती हूँ। ये देखिए ये एकदम परफेक्ट है। नीचे का लेस में भी थोड़ा सा ग्रीन है तो ग्रीन गोल्डन रेड तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा मैचिंग कर रहा है। और लेस का जो नीचे का डिज़ाइन है वो और कमरबंद एक ही जैसा है तो इसलिए बहुत अच्छा लगा। और इस बार बाल ना सबके लिए बहुत ही अच्छा मिल गया है, लेकिन पहले तो लगा के देखा नहीं है और माप का भी लेके नहीं गया था तो हिसाब से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा था। तो कैसा भी करके तो हो गया है लेकिन पोगड़ी बांधने में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। ऐसा लग रहा था बांधने का मन ही नहीं है ठाकुर जी को। और ये सिल्की कपड़ा था ना तो बहुत ही ज़्यादा स्लीव हो रहा था और ध्यान तो बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है पिन लगाने के टाइम पे, थोड़ा सा भी ठाकुर जी को ना चुभे उसका ध्यान तो ज़रूर रखती हूँ। और बल की वजह से ना ठाकुर जी का चेहरा सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस बार ना सबका बाल बहुत ही अच्छा मिला है तो इसलिए लुक तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुआ है। तो चलिए पगड़ी तो कैसा भी करके लिपट दिया है, अभी ये सब पिन अटैच कर देती हूँ। पगड़ी का बेस एक बार बन जाता है ना तो ये सब अटैच करने में इतना मुश्किल नहीं है, देख देख के किधर कौन सा जार है वो देख के लगाना पड़ता है और ध्यान तो बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ता है ठाकुर जी को ना छुए। ये देखिए ये सब लेस से ही छोटा छोटा मैं बना के रखी थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, सच में नज़र हट ही नहीं रहे। कन्हैया का श्रृंगार करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, राधा रानी का तो आधा भी टाइम नहीं लगता है कन्हैया का जो टाइम लगता है। कन्हैया का इसलिए टाइम लगता है क्योंकि पोगड़ी बनाना पड़ता है, फिर गले में भी डालने के लिए दिक्कत होता है। और राधा रानी का कोई मतलब कुछ भी गहना डालने में कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, ड्रेस डाल दिया और गहना भी इजीली डलवा दिया जाता है और बाल लगा के चुनरी डाल देती हूँ। एक तो मांग टीका है लेकिन वो तो मतलब इस बार डालूंगी क्या नहीं डालूंगी वो एक बार डाल के देखूंगी। मैं तो सोच रही हूँ डालूंगी लेकिन शूट नहीं होएगा तो फिर से निकल दूंगी। और एक बाल ना थोड़ा सा लंबा हो गया, पीछे से थोड़ा बहुत काट देगा ना तो और भी अच्छा लगेगा, तो आज तो ऐसा डाल रही हूँ, बाद में देखूंगी काटना है तो काटूंगी। और ये पायल भी मैं हाथों से ही बनाया है लेकिन गाम तो अभी फिलहाल नहीं है मेरे पास, झूला जब सजा रही थी उसमें थोड़ा बहुत गाम मैं देके फूलों को अटैच किया है तो गाम होता ना तो बहुत अच्छे से फिट होता था। पहले जो रेडीमेड मैं कपड़ा लेके आती थी ना उसमें ठाकुर जी का चरण दिखता ही नहीं था, लेकिन अभी तो मैं जो ड्रेस सिला रही उसमें ठाकुर जी का चरण इतना अच्छे से दर्शन होता है, सच में
मुझे ना बहुत मन में खुशी होता है जो जब ठाकुर जी का दर्शन करूं तो उनका चरण के ऊपर ही मेरा पहली नज़र जाए। और पीताम्बर ना वही कपड़ा से बनाया है और ये कपड़ा थोड़ा सा जाड़ा है और ये हाथ का साइड से ये कपड़ा जा भी नहीं रहा था, तो मैं क्या किया टिच कर दिया, वहाँ पे सिलाई लगा दिया दो साइड में, तो पीछे से अटैच कर दूँगी। तो ऐसा पिन के मदद से भी अटैच कर सकते हैं, तो मैं ऐसा सिलाई लगा के एक पिन लगा दूँगी, तो ऐसा करके लगा दूँगी, फिर ठाकुर जी का फुल सिंगर हो जाएगा। और ये देखिए इतना प्यारा लग रहा है, सजाते सजाते मेरा ना आँखों में आँसू ही आ गया, जो कैसा मेरे से इतना अच्छा श्रृंगार हो गया और मेरे से नहीं हुआ है, ठाकुर जी खुद करवाया है मेरे से, उनको सजने का मन है। साइड में ऐसा करके पीताम्बर को अटैच कर रही हूँ तो उसका लुक भी बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखिए। और बांसुरी का मैं एक लटकन लगाया है क्योंकि उसका लटकन तो बहुत ही छोटा था, दिख नहीं रहा था, तो अभी तो बहुत अच्छे से दिख रहे। तो चलिए लास्ट में आतुर लगा देती और मेरा कन्हैया रेडी हो गया। मेरा ठाकुर जी का तो श्रृंगार हो गया और इतना प्यारा लग रहा है, सच में नज़र हट ही नहीं रहे। आज थोड़ा अलग ही लग रहा है क्योंकि आज ठाकुर जी का जन्मदिन है, बाल वगैरह इतना मस्त मिला है तो चेहरा वगैरह सब अलग ही लग रहा है। और आज तो पोकड़ी बहुत ही अच्छा बना है। ये सब कपड़ा ना मैं हाथों से सिलाया है, मशीन होता ना तो बहुत कम टाइम पे सिल जाता था, लेकिन हाथ से सिलाती हूँ ना थोड़ा तो ज़्यादा टाइम लगता ही है। लेकिन मन में हुआ है ये डालवाओ तो शायद ठाकुर जी का। तो चलिए राधा रानी का श्रृंगार कर देती हूँ। और राधा रानी का श्रृंगार करने में ना ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। और ये ड्रेस का नीचे का जो स्कर्ट है ना वो थोड़ा सा लंबा रखा है क्योंकि ऊपर एक कुर्सी के ऊपर और एक कुर्सी रखा है, तो वो हिसाब से मैं सोचा है थोड़ा सा लॉन्ग रखेगा ना तो फैला हुआ रहेगा तो अच्छा लगेगा, वो हिसाब से बना ही है। तो अगर अच्छा नहीं लगेगा ना तो लास्ट में ये लेस खोल के ना छोटा कर दूँगी। और मैं बोला ना राधा रानी को श्रृंगार करने में ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है, ये देखिए फटाक से हो भी जाता है। और इस बार बाल के वजह से सच में सबका लुक अलग ही लग रहा है और एकदम घना बाल है, बालों का वजन इतना ज़्यादा था। और इस बार बाल अटैच करने में मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत लगा, गम होता था ना तो शायद अच्छे से फिट भी हो जाता था, तो थोड़ा बहुत गम था। तो मैं अभी साइड साइड में ना थोड़ा सा डायमंड का चेन था वो अटैच कर दिया है, नहीं तो पहले तो सोचा था सिर्फ मांग टीका लगाऊंगी। और ये फेदर भी मैं थोड़ा बहुत डेकोरेशन किया है साइड साइड, डायमंड चेन और मयूर पंख था वो अटैच कर दिया, बहुत प्यारा लग रहा है। देखिए आज तो राधा रानी सच में इतना सुंदर लग रहे हैं, दोनों का आज नज़र उतरना पड़ेगा। तो चलिए मैं वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।